वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर है, और जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो फर्स्ट लेक्चर पहले देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो सारे के सारे फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर छठवा देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो चीजें हमें करना है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है कोई काम 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में, और सी कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। मतलब सबसे पहले उसने जितना दिया है तो ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60, और टोटल वर्क 60 आ जाएगा तो हम ये एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब एफिशिएंसी आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो हम एफिशिएंसी को यहाँ लिखते हैं। तो एफिशिएंसी इसकी 10 ए की कितनी हो जाएगी, यदि ये पूरा 60 लड्डू यदि वो 10 दिन में खा रहा होगा तो एक दिन में कितना खाएगा 6, मतलब ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। वैसे अगर हम बी की बात करें तो पूरा 12 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर जाता है, मतलब कितना काम 60 काम, इसका मतलब एक दिन में ये कितना काम करता है 5। और वैसे सी अगर पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा ये 4। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो इसमें छठवें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करे परंतु ए 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है और इसके 2 दिन के बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि देखिए ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, 2 दिन के बाद। इसका मतलब कि टोटल अगर 60 वर्क होता तो इसने कितने दिन काम कर चुका है, ए ने 2 दिन। तो ए का अगर हम 2 दिन के वर्क की बात करें तो ए का 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, तो एक दिन में यदि वो 6 वर्क करता है तो 2 दिन में कर लेगा कितना 12। वैसे बी, अब जो सी है इसके 2 दिन के बाद काम छोड़ता है, इसके बोले तो ए के, मतलब ए के साथ इनने 2 दिन तो काम किया था और 2 दिन और किया, मतलब सी ने टोटल काम किया है 4 दिन, और एक दिन में सी कितना काम करता है तो 4, तो 4 दिन में टोटल काम कितना किया होगा सी ने, तो 16 काम। अब अगर आप ऐड करोगे तो 16 और 12 हो जाएगा आपका कितना 28, मतलब 28 काम कौन कर चुका है, ए और सी। तो 28 काम अगर ए और सी कर चुका है तो बचा कितना काम है 32 काम, कितना काम बचा है 32 काम, और ये 32 काम कौन ने करा होगा, ये किया होगा सी ने। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो इसकी एफिशिएंसी अगर 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर दे, तो सी ने टोटल ये 32 काम किया होगा 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अब तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, ए और जो बी है वो काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ देते हैं, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो। तो ए और जो बी है, ए और बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो 2 दिन पहले। इसका मतलब यदि ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, इसका मतलब लास्ट के 2 दिन कौन अकेला काम कर रहा होगा सी, और सी की एफिशिएंसी कितनी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, मतलब इनने लास्ट के 2 दिन कितना काम किया सी अकेले ने 8 काम। यदि टोटल 60 वर्क है उसमें से यदि 8 माइनस करोगे तो बचा कितना 52, और ये 52 वर्क तक ए बी और सी तीनों लोग साथ में थे, और तीनों लोग साथ में थे मतलब इनने तीनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा 15 काम। तो यदि मैं इसमें 15 से डिवाइड कर दूं तो तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा, तो 15 * 3 = 45, और यहां जाएगा कितना 7/5। तो बोल रहा है कि बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन लास्ट के सी ने काम किया और ये 3 सही 7/5 दिन बी और सी दोनों ने काम किया, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे 3 और 2 = 5, तो आ जाएगा 5 सही 7/5 दिन टोटल काम चला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते। अब यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को एक प्रकार से और कर सकते हैं। यहां ये दिया है कि कौन ए और बी तो काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो ए और बी यदि काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं और सी पूरे लास्ट दिन तक काम करता है, मतलब अंतिम के 2 दिन तक और काम चला है, तो ए और बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा 2 दिन पहले। तो यदि हम बात करें टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60, और टोटल वर्क 60 है, ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, बी ने भी 2 दिन पहले काम छोड़ा, इससे यह कहा जा सकता है कि ए के हिस्से का 2 दिन का काम इसमें नहीं होगा और बी के भी 2 दिन का काम इसमें नहीं होगा।
यदि मैं ए का भी, ए जब दो दिन पहले क्यों गया, क्योंकि दो ए का हिस्सा यहाँ नहीं है दो दिन का, तो ए का अगर एक दिन में ये 6 लड्डू खा रहा होता तो दो दिन में कितने खाता, 12। तो यदि मैं इसमें 12 काम छोड़ दूं, इसका मतलब ए भी सी के साथ अंतिम दिन तक काम कर सकता है। और यदि हम बी की बात करें तो बी ने भी दो दिन पहले काम छोड़ा, मतलब बी एक दिन में 5 काम करता है, और एक दिन में यदि 5 काम करता है तो दो दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब ये अगर होता तो 10 काम और करता, मतलब 10 लड्डू और खाता, तो आप 10 और जोड़ दोगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 82। और टोटल 82 हो जाएगा, इसका मतलब मैंने ए दिन, ए ने दो दिन पहले काम छोड़ा तो ए का भी वर्क जोड़ दिया, और बी ने भी दो दिन पहले काम छोड़ा तो बी का भी वर्क जोड़ दिया दो दिन का। अब ये बोल सकते हैं कि सी तो पूरा लास्ट तक काम कर रहा था, ए और बी दो दिन नहीं कर रहे थे, उन दोनों का अगर वर्क जोड़ दिया जाए तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो 82 वर्क है ये ए बी और सी तीनों आखिरी दिन तक काम करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो इनकी है 15। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बची जाएगा 75, बचेगा कितना, 7/15, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 5 से ही 7/15 दिन में। आइए अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अगर ए काम खत्म होने से दो दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से तीन दिन पहले काम छोड़ दे, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल वर्क दिया है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, और टोटल वर्क 60 है जो कि इन तीनों का है। यदि ए दो दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि ए ने, ए का हिस्सा इसमें नहीं है, मतलब यदि ए अंतिम दिन तक काम करता तो इसका मतलब दो दिन पहले काम छोड़ा तो दो दिन और काम करता, तो इसका क्या करते हम, दो दिन का काम इसमें और जोड़ देते हैं। तो दो दिन का काम जोड़ने के कारण क्या होगा कि इससे भी हम अंतिम दिन तक काम करा सकते हैं, किससे, ए से। वैसे बी की बात करें तो बी काम खत्म होने से तीन दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है, यदि इसको भी अंतिम दिन तक काम करा है, तो एक दिन में 5 काम करता है तो तीन दिन में कितना काम कर देगा, ये 15। यदि मैं 15 काम और जोड़ दूं तो बी भी अंतिम दिन तक काम करने में शामिल हो सकता है। यदि टोटल वर्क की बात करें तो कितना हो जाएगा, 87। टोटल वर्क 87 हो जाएगा, जिसमें ए भी अंतिम दिन तक काम कर रहा है, बी भी अंतिम दिन तक काम कर रहा है, और ऑलरेडी सी तो कर ही रहा है। इनकी तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 15। और यदि मैं 15 से डिवाइड करूं तो टोटल वर्क कितने दिन चलेगा, तो ये चल जाएगा 15/25 75, बच कितना जाएगा 12, तो 12/15 दिन, इतने दिन टोटल वर्क चलेगा। तो आप मित्रों एक चीज याद रखिएगा कि जितने दिन पहले कोई काम छोड़ता है उतना काम आप टोटल वर्क में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ए ने जैसे कि दो दिन पहले काम छोड़ा था तो इसके दो दिन का वर्क जोड़ दिया मैंने, बी ने तीन दिन पहले काम छोड़ा था तो बी का तीन दिन का काम जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा कि ए बी और सी अंतिम दिन तक काम कर सकते हैं, तो 87 जो टोटल वर्क है इसको यदि हम 15 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में 15 काम हो रहा है तो 87 वर्क होने में टोटल कितना समय लगेगा, तो 5 से ही 12/15 दिन लगेगा। आइए इसका क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। अब स्टार्टिंग जब उनने की काम की तो तीनों थे, परंतु दो दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो सबसे पहले उसने जितना बोला उतना काम हम कर देते, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हो जाएगा 60। और टोटल वर्क 60 है यदि ए का दो दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 6, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 6 है, मतलब दो दिन में इसने कितना काम कर चुका होगा, 12। तो 12 काम इसका माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 48। अब 48 वर्क बचा है और ये कौन ने करा होगा, बी और सी ने। परंतु यदि हम अगली लाइन यहां देखें तो, अब आगे क्वेश्चन देखें तो, और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। अब बी यदि एक दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, इसका ये मतलब है कि बी के एक दिन का काम यहाँ पे नहीं था, इसलिए बी पहले चला गया एक दिन पहले। यदि मैं एक दिन का काम बी का जोड़ दूं, और एक दिन में कितना काम करता है, 5, और यदि मैं एक दिन का काम बी का जोड़ दूं, इसका ये मतलब है कि अब जितना काम बचा है बी और सी ने पूरा किया होगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 53। और ये जो 53 है ये कौन ने करा होगा, बी और सी ने मिलकर करा होगा, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 9 काम करते हैं। यदि बी और सी एक दिन में यदि 9 लड्डू खा रहे हैं, टोटल लड्डू यदि उनके पास 53 होते हैं, तो ये कितने दिन में काम करते टोटल, ये बचा वाला, तो आ जाता 9/5 45, बच कितना जाता, 8/9 दिन, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, तो टोटल समय कितना लगा, तो 5 से ही 8/9 दिन, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए इस 6वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी सेम है कि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। अब स्टार्टिंग में तीनों साथ में थे, परंतु तीन दिन के बाद एक काम छोड़ जाता है। यदि टोटल वर्क आपका कितना दिया उसने, टोटल वर्क हमारे अनुसार 60 है।
अब 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन का काम ए का, तो ए की एफिशिएंसी कितनी अच्छी, तो 3 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, तो 3 दिन में ए ने टोटल काम किया होगा कितना, 18। तो हम इसके ए के 3 दिन का काम माइनस कर देते हैं। अब ए के 3 दिन का काम माइनस कर दे तो टोटल वर्क बचा कितना, 42। अब ए का अगर हम काम हटा दे तो 42 वर्क ये कौन ने करा होगा, बी और सी ने। अब आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो और बोल रहा है, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी यदि 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसका ये मतलब है कि सी के 4 दिन का इसमें काम नहीं था। अगर टोटल 42 होते हैं तो सी 4 दिन पहले जा रहा है, इसका ये मतलब है कि 4 दिन का हिस्सा सी का नहीं है। यदि मैं इसमें सी के 4 दिन का हिस्सा जोड़ दूं तो 1 दिन में सी करता है 4 काम या 4 लड्डू खाता है, तो 4 दिन में कितने खाता, 16। यदि मैं इसमें 16 लड्डू जोड़ दूं तो अब सी को भी अंतिम दिन तक काम में लगाए रखा जा सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले 4 दिन पहले जा रहा था, 4 दिन का काम और इसका अगर ऐड कर दूं मैं, तो अब सी और बी दोनों अंतिम दिन तक काम करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 58। और ये 58 वर्क है ना, ये कौन ने किया है, बी और सी ने, क्योंकि ए का काम हम माइनस कर चुके हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 9 है। कौन की, बी और सी की एफिशिएंसी है 9। तो यदि मैं 9 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 9×6=54। बचा कितना, 2। तो 2/9 दिन, मतलब पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो 6 से 2/9 दिन लगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में। यदि मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क हम कितना लिख देंगे, 60 आ जाएगा, जो इन तीनों का एलसीएम है। एक ही इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें, ए और बी की, तो 10 दिन में अगर पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं तो 60 काम करने में पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। अगर 1 दिन में 6 लड्डू खाते तो 10 दिन में टोटल 60 लड्डू जाएंगे, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बी और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 1 दिन ये टोटल काम 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और काम कितना है हमारा, 60। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12×5=60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 3। तो ये आ गई आपकी एफिशिएंसी 6, 5 और 3, और ये आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो ये 6 एफिशिएंसी है ये कौन कौन लोगों की है, ए और बी की, मतलब इसमें ए की भी एफिशिएंसी है और बी की भी है। 5 एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें बी भी है और सी भी है, और 3 एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें सी और ए दोनों है। मतलब यदि मैं टोटल एफिशिएंसी जोड़ दूं तो 6+5 हो जाएगा 11, 11 और 3 हो जाएगा कितना, 14। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी आ रही है 14, परंतु हर व्यक्ति ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। मतलब ए यहाँ पर भी काम कर रहा है बी के साथ और सी के साथ भी कर रहा है। मतलब हर एक पर्सन ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है। इसका मतलब कि हर एक ने 2-2 बार काम किया है, तब जाके टोटल 14 काम हुआ है। इसका मतलब यदि एक एक बार काम करते तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना आता, 7। मतलब 1 दिन में ये तीनों मिलकर 7 काम कर सकते। अब एक चीज नोटिस करिए कि यदि ए प्लस बी ने 1 दिन में कितने लड्डू खाए हैं, 6 लड्डू खाए हैं, तो यहां पर कौन शामिल नहीं है, सी। इस ए प्लस बी में सी शामिल नहीं है, और ए बी और सी ने टोटल यदि 7 काम किया है और ए और बी ने 6 काम किया, मतलब यहां पर सी शामिल नहीं, तो सी ने काम कितना किया होगा, तो सी ने काम किया होगा कितना, 1। मतलब सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। वैसे यहां अगर आप देखोगे तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और B प्लस C की एफिशिएंसी यदि 5 है, तो इसमें यहाँ कौन शामिल नहीं है, A। अगर तीनों होते तो 7 काम करते, इसका मतलब यहाँ A नहीं है, तो A ने कितना काम किया होगा, तो 2। तो A ने काम किया होगा 2। C और A की बात करें तो वो टोटल 3 लड्डू खाते हैं, या 3 इनकी एफिशिएंसी C और A की। यदि यहाँ पे कौन नहीं है, B। अगर B होता तो B कितना काम करता, 4 करता है। इसका ये मतलब है कि हम B और C यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि A और B की एफिशिएंसी लिख देते कितनी, 6, तो C की एफिशिएंसी आ जाती 1। फिर उसके बाद B और C की एफिशिएंसी लिख देते कितनी, 5, तो A की एफिशिएंसी आती 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी आ गई किसकी, A, B और C की, ये एफिशिएंसी आ गई है। अब वो बोल रहा है कि तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो कितने दिन लेगा हमारा, 30 दिन लेगा। बी की बात करें तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो कितने दिन लेगा ये, 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। सी की बात करें तो टोटल वर्क है 60 और सी की एफिशिएंसी कितनी है,
एक, तो अगर सी पूरा काम कंप्लीट करे तो कितने दिन लेगा, 60 दिन में। तो आपके आंसर हो जाएंगे कितना, 30, 15 और 60। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। अब देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। वहीं बी प्लस सी की अगर बात करें तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। और सी प्लस ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 40 दिन में। तो टोटल वर्क हम कितना मान ले, तो टोटल वर्क हम मान लेते कितना, 120। और टोटल वर्क यदि 120 होता तो ए और बी 20 दिन में अगर पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करते, 6। वैसे बी प्लस सी अगर 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते तो एक दिन में कितना काम करते, 4। और ये एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते, 3। इसका ये मतलब है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 6 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 4। और सी प्लस ए की आ गई कितनी, 3। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो 6, 4, 10 और 3, 13। तो ए प्लस बी प्लस सी ने टोटल वर्क 13 किया है, परंतु हर व्यक्ति दो दो बार आया है तो मैं दो का गुणा कर देता हूं। तो यहां अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 2 से अगर काटोगे तो कितना जाएगा, 6.5। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहां देखोगे तो कितनी है, 6। यदि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ गई तो सी की कितनी थी होगी, 0.5 थी होगी। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 0.5। और सी की अगर 0.5 आएगी तो यहां अगर हम 0.5 लिख दे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की 3.5 होगी। तभी तो दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, 3.4। वैसे यदि बी की 3.4 एफिशिएंसी है, कितनी, 3.5। यदि बी की एफिशिएंसी है 3.5, तो यहां 3.5 लिख दिया तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5। जब ही तो टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2.5। अब यहां बोल रहा है कि तीनों अलग अलग काम करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो अगर हम ए की बात करें तो टोटल वर्क उसे भी कितना करना है, 120। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5। और ए की एफिशिएंसी अगर 2.5 है तो ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, जब डिवाइड करोगे तो 48 दिन लगेंगे इसको। बी की बात करें तो बी भी टोटल वर्क कितना है, 120। और 120 काम एक दिन में कितना काम करता है, इसकी एफिशिएंसी 3.5। यदि आप 3.5 से डिवाइड करोगे तो टोटल कितने दिन लेगा बी, तो ये लेगा 34 सही 2/7 दिन। और सी की बात करें तो टोटल वर्क इसको भी करना है 120 और एफिशिएंसी सी की 0.5। जब डिवाइड करोगे तो आप आ जाएगा इसका कितना, टोटल 24 दिन। ठीक है, तो ये इस प्रकार टोटल वर्क निकाल सकते हैं अलग अलग कितने दिन में करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी कर सकता है 12 दिन में पूरा काम, और बी प्लस सी कर सकते हैं कितने दिन में, 16 दिन में। फाइनली जितना हम सॉल्व करते हैं उतना तो आप करके रख लीजिए पहले। तो 48 टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क आपका आ रहा है कितना, 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी आ जाएगी, 4। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करें तो आ जाएगी 3। अब आगे क्वेश्चन जो बोला है आपको उतना करना है। अब बोल रहा है अगर ए ने 5 दिन काम किया, इसका ये मतलब है कि ए कुल 5 दिन काम कर रहा है। तो आप एक चीज समझिए, ए ने अगर 5 दिन काम किया है तो कब किया है ये पता है क्या आपको, नहीं। मतलब वो ए बी के भी साथ कर सकता है और सी के भी साथ काम कर सकता है। इसका मतलब ए का हिस्सा 5 दिन का है, वो चाहे तो कभी भी काम कर सकता है। वैसे अगर हम बी की बात करें तो बी का उसने दिया कि बी केवल 7 दिन काम करता है, और बी अगर 7 दिन में काम कर सकता है तो बी ऐसा कहीं नहीं दिया है कि बी एक साथ तीनों ने काम शुरू किया। मतलब आप कहीं भी काम करवा सकते हैं। सी की बात करें तो सी टोटल कितने दिनों तक काम कर सकता है, 13 दिन काम करता तब पूरा काम कंप्लीट होता है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, यहां कहीं पर भी नहीं दिया कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी से अगर हम साथ में काम कराना चाहे, कौन से, ए और बी से, तो ये दोनों कितने दिन तक साथ में काम कर सकते हैं, तो 5 दिन तक काम कर सकते हैं। तो अगर ए और बी से हम साथ में काम कराना चाहे तो ए तो 5 दिन तक कर सकता है, बी कर सकता है 7 दिन तक। तो हमने 5 दिन तक किसके साथ करा दिया, ए के साथ। तो 5 दिन तक ए और बी अगर साथ में काम करें तो एक दिन में ए और बी काम कितना करते हैं, 4। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 20 काम।
और 20 काम अगर ए और बी ने 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब बी 5 दिन काम कर चुका है तो बी के कितने दिन और बचे हैं? 2 दिन। तो बी के बचे हैं 2 दिन, तो क्या वो सी के साथ काम नहीं कर सकता? तो सी के साथ वो काम कर सकता है कितने दिन? 2 दिन। और बी और सी अगर 2 दिन तक साथ में काम करे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बी और सी की एफिशिएंसी 3, तो इनने 2 दिन में कितना काम किया होगा? तो 6 काम करा होगा। टोटल काम की अगर हम बात करें तो 26 काम कंप्लीट हो चुका है किसमें से? 48 में से। अब जो शेष बचा है शेष काम, वो कितना बच गया आपका? 22। और शेष काम 22 बचा है वो कौन ने किया होगा? सी ने। परंतु सी 2 दिन काम कर चुका है बी के साथ, मतलब सी के लिए कितने दिन बचे हैं? 11 दिन। और 11 दिन में यदि सी ने कितना काम किया है? 22। तो 11 दिन में यदि 22 काम किया है तो एक दिन में कितना काम करा होगा? 2। तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई 2। तो उन्हें पूछा है कि सी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो टोटल वर्क आपका कितना है? 48। और 48 टोटल वर्क है, और सी की एफिशिएंसी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 2। तो टोटल काम करने में कितना दिन लग जाएगा? तो 24 दिन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 10, कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में किसी काम को। फिर आगे बोला है कि जबकि बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में कर सकता है, तो बी प्लस सी 6 सही 2/3 इसको यदि सॉल्व करोगे तो 6 × 3 = 18 और 2 कितना? 20/3 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बी प्लस सी कर सकते हैं 20/3 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। यदि इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 12 और 20 का 60। 12 और 20 का 60 आ जाएगा। जब 12 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी कौन की? ए प्लस बी की 5। और जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो 20 × 3 = 60 और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। मतलब 20/3 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 7 दिन काम करके काम खत्म करते हैं। मतलब यहां वो ये बोलना चाह रहा है कि ए करता है ओनली कितने दिन? 3 दिन। बी करता है कितने दिन? 4 दिन। और सी करता है कितने दिन? 7 दिन। तो जस्ट हमने जो पहला इससे पहले जो क्वेश्चन करा उसी के जैसा है कि हम ऐसा भी तो करवा सकते हैं कि ए और बी को, ए प्लस बी को साथ में कितने दिन काम करा सकते हैं? 3 दिन। अब हम देखें तो ए प्लस बी एक दिन में यदि 5 काम करते तो 3 दिन में कितना काम कर चुके होंगे? 15 काम। वैसे ही बी ने यदि 3 दिन काम कर चुका है ए के साथ तो बी के लिए कितने दिन का काम बचा है? टोटल 4 दिन काम करता है तो बी के लिए कितने दिन का काम बचा? 1 दिन का। तो ये 1 दिन में किसके साथ काम करेगा? सी के साथ। तो 1 दिन में बी और सी कितना काम कर लेंगे? 9। अगर टोटल वर्क की बात करें तो 15 और 9 = 24 काम कंप्लीट कर चुके हैं कौन? ए बी और बी सी अभी तक। तो टोटल अगर 24 काम कंप्लीट कर चुके तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा कितना? 36। क्योंकि 15 और 9 = 24 काम कंप्लीट हो चुका है, टोटल था 60, तो शेष काम बचा है 36। और ये करा कौन ने? सी ने। अब सी ने तो किया, परंतु सी 1 दिन बी के साथ कंप्लीट कर चुका है काम, मतलब सी के पास कितने दिन बचे? 6 दिन। तो सी की एफिशिएंसी अगर उसने 36 काम 6 दिन में किया है तो 1 दिन में कितना काम किया होगा? 6। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। और सी की एफिशिएंसी अगर 6 आ जाती है तो आप ध्यान दीजिए कि यहां मैं लिख देता हूं सी की एफिशिएंसी 6 है, तो हम ये देख रहे हैं कि बी और सी दोनों की एफिशिएंसी टोटल 9 थी, मतलब बी की कितनी थी होगी? 3। अगर बी 2-3 लड्डू खाता है, सी खाता है कितने? 6 लड्डू, तो टोटल हो गए 9। बी की एफिशिएंसी अगर 3 आ गई तो मैं यहां भी 3 लिख सकता हूं, तो बी की एफिशिएंसी है 3। तो बी और सी दोनों की टोटल कितनी है? 5। मतलब ए की कितनी थी होगी? 2। अब ए की एफिशिएंसी अगर 2 थी होगी तो उसने ये पूछा कि ए पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए पूरा काम कंप्लीट करेगा, टोटल काम कितना है? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और ए की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल काम कितने दिन लगेंगे? 30 दिन में ए कंप्लीट कर देगा पूरा काम। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। तो बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। वो बोल रहा है कि बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जितना काम, तो बी प्लस सी जितना काम 2 दिन में करता है उतना ही काम ए कितने दिन में करता है? 3 दिन में।
ठीक है, तो ए प्लस बी का, बी प्लस सी के 2 दिन का काम ए के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि हम इसे सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। यदि आप इसका पक्षांतर करोगे 2 का तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, सॉरी यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ये लिखा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने कितने दिनों में कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के 6 दिन में काम कर लेते हैं, तो बोल रहा है कि यदि हम देखो बी प्लस सी जो है बिना ए की सहायता के कितने दिन में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, 6 दिन में। तो 6 दिन में अगर काम कंप्लीट कर ले रहे हैं तो यहां से निकल सकता है टोटल वर्क, क्योंकि 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो यहां लिख देते बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 और 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो टोटल वर्क कितना आ जा रहा होगा, तो टोटल वर्क आ जा रहा है 18। तो 18 आपका क्या जाएगा, टोटल वर्क। और 18 यदि टोटल वर्क है, अब आगे क्वेश्चन में यदि देखोगे तो वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में वापस से पढ़िए कि देखिए ए ने सभी दिन काम किया। अब ए ने सभी दिन काम किया है और बी क्या करता है, पहले और दूसरे दिन काम करता है। तो पहले और दूसरे दिन काम करता है इसका मतलब 2 दिन काम किया बी ने, और जो सी है सी काम करता है कब कब, तीसरे चौथे और पांचवे दिन। इसका मतलब सी ने 3 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया शुरू के, अगले 3 दिन सी करता है और ए पूरे दिन काम करता है। इसका ये मतलब है कि पूरा काम चला कितने दिन है, 5 दिन चला है। अब 5 दिन टोटल काम चला है, 2 दिन करा है पहले और दूसरे दिन बी ने और सी ने करा है तीसरे चौथे और पांचवे दिन। अब यहां अगर आप देखोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए ने 2 दिन में टोटल कितना काम कर चुका होगा, कितना 10 काम कर चुका होगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी है 2, तो ए ने टोटल 5 दिन में 10 काम अकेले ने कर चुका होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी। अब देखो बी कितने दिन काम करेगा, 2 दिन। ऐसा भी तो कर सकते कि बी और सी को प्रीवियस जो पहला क्वेश्चन था उसके अनुसार बी प्लस सी को कितने दिन काम करा दें हम, 2 दिन। तो 2 दिन में बी प्लस सी कितना काम कर जाएंगे, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 3। तो 2 दिन में काम कंप्लीट कर जाएंगे 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि काम कितना कंप्लीट हो चुका है, 10 काम किया ए अकेले ने, 6 काम किया किसने, बी और सी ने, तो 16 काम कंप्लीट हो चुका है। तो शेष वर्क कितना बचा है, तो शेष काम बचा है आपका टोटल 18 में से 16 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा है, 2। अब शेष काम 2 बचा है और कर कौन रहा है बचा वाला काम, सी। और सी की एफिशिएंसी, सी के लिए देखो 2 दिन अगर बी के साथ कंप्लीट कर चुका है तो अभी कितने दिन बचे हैं सी के पास, तो सी के पास बचे 1 दिन। तो 1 दिन में 2 काम करेगा, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और सी की एफिशिएंसी यदि 2 है तो उसने पूछा यह है आपसे कि सी पूरा कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो सी पूरा काम कंप्लीट करेगा कितने दिन में, तो टोटल काम है आपके पास 18 और सी की एफिशिएंसी आ जाती है कितनी, 2। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, तो 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में कर सकता है। तो जितना उसने बोला पहले उतना हम कर देते हैं, कि पहला कितने दिन में करता है, तो पहला करता है 24 दिन में। दूसरे की बात करें तो दूसरा उसने बोलता है कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है कि तीसरा बेटा काम कितने दिन में करेगा, अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में कर देता है। तो जो आदमी है, जो मैन है, वो पूरा काम कर दे रहा है 3 सही 3/11 दिन में। इसका ये मतलब है कि जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 36/11 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दे रहा है कौन, वो आदमी। तो ये कर दे रहा है 36/11 दिन में पूरा काम। टोटल वर्क की बात करें तो इसका आप ले लोगे क्या, एलसीएम, और इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। और 72 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो पहले बेटे की एफिशिएंसी की बात करें तो पहले बेटे की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, दूसरे बेटे की एफिशिएंसी की बात करें तो दूसरे बेटे की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 2। और मैन की एफिशिएंसी की बात करें तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, भाग दोगे तो आ जाएगा 22, मतलब मैन की एफिशिएंसी आ गई 22। अब इसमें एक लाइन और मेंशन करिए कि तीनों बेटे जितना काम करते हैं उससे डबल काम कौन कर जाता है, मेन। मतलब अगर मेन ने 22 काम करा है
उतने ही समय में जितने समय में ए बी और सी मतलब तीनों बेटे ने किया होगा, तो इसने डबल काम किया, ऐसी लाइन लिखी है। इसका ये मतलब है कि अगर ये डबल काम कर लेता है कौन से तीनों बेटों से, तो तीनों बेटे कितना काम कर सकते हैं, पहला बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा, तीनों मिलकर अगर 22 काम कर रहा है मैन अकेला जो कि डबल करता है तीनों बेटे से, मतलब बेटे ने कितना काम करा होगा, तीनों ने 11 काम किया होगा उतने ही समय में। तो पहले ने कितना काम किया है, 3, दूसरे ने किया है 2 काम, तो तीसरे बेटे ने कितना काम किया होगा, तो आप जब सॉल्व करोगे तो तीसरे की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, सॉरी तीसरे की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहां तीनों ने मिलकर करा है 11 काम, तो पहले और दूसरे ने यदि 5 काम कर दिया तो तीसरे ने कितना काम करा होगा, 6 काम। इसका यह मतलब है कि तीसरे की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और तीसरे की एफिशिएंसी